अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्च मसाला मुंबई से चैनल पर आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन कबाब। जिसके लिए मुझे चाहिए 1/2 kg बोनलेस चिकन, 2 बड़ी प्याज, 1 शिमला मिर्ची मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है, और ये 8 से 10 हरी मिर्ची, कोथमीर, हरी धनिया एकदम बारीक काट के लिए मैंने इसे भी, अदरक लहसुन आप देख सकते हो कि कितने इसकी क्या क्वांटिटी है, आप देख के हिसाब लगा सकते हो। और ये है बटर मस्का, ये मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास घर की मलाई अवेलेबल नहीं थी। आपके पास होगी तो आप वो यूज़ कर लीजिए। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, सॉल्ट अपने हिसाब से। सबसे पहले हम इस प्याज को पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और पीस करके इसका पानी अलग कर लेंगे। अब देख सकते हो उतनी प्याज मैंने ली है, और इसे चालन की मदद से एकदम अच्छे से पानी इसका अलग कर ले रही हूँ। पानी अलग करने की वजह यह है कि हमें कबाब में इसे मिक्स करना है, और इसमें बहुत एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो बहुत पंचुटा हो जाएगा, कबाब बहुत पचपचा लगने लगेंगे। ये अदरक लहसुन, उसी जार में मैंने अदरक लहसुन भी लिया है, इसका भी पेस्ट बना के रख लिया है मैंने। थोड़ी मुझे पानी की ज़रूरत थी तो मैंने इसी प्याज का पानी इसमें ऐड किया है। ये रहा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये करीब 3 टेबल स्पून के करीब है, और ये 3 टेबल स्पून के करीब प्याज है, और ये रही चिकन। उसी जार में मैं इस चिकन को भी पीस लूँगी। हमें दुकान से कीमा करा के नहीं लेना है, हमें मिक्सी में ही ला करके इसे पीसना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं कबाब बना रही हूँ उसके लिए मुझे बारीक कीमा नहीं चाहिए। मिक्सर ग्राइंडिंग में ही इसे 1 से 2 मरतबा घुमा लीजिए आप, 8 से 10 सेकंड के लिए घुमाएंगे बस, उसी में ये बारीक हो जाता है। इस तरीके से मैंने अलग बाउल में से निकाल के ले लिया है। आप देख सकते हो कितने रेशे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसमें लंबे लंबे रेशे दिखाई दे रहे हैं। फिर ये रहा हमारा 1/2 किलो कीमा, चिकन कीमा मैंने सारे पीसने के बाद में इसे एक अलग बाउल में रख रही हूँ। अभी हम चल रहे हैं हमारे कबाब बनाने की तरफ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो 3 टेबल स्पून के करीब है। प्याज ये 2 टेबल और 3 टेबल स्पून के करीब ये भी है, क्योंकि 2 बड़ी प्याज थी, पेस्ट बनने में बहुत कम हो गया ये। कोथमीर, हरी धनिया एकदम बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च चॉप की हुई, और हरी मिर्ची वो भी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, तीखा आप कितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ले लीजिए। शिमला मिर्च, ये 1 चम्मच जीरा पाउडर है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, इसके बाद में मैंने 1/2 बटर इसे मेल्ट करके लूंगी मैं। आप देख सकते हो स्लो गैस पे ही मैंने इसे मेल्ट कर लिया है आहिस्ता आहिस्ता। फास्ट पे रखने से क्या होगा कि ये जल्दी से तो मेल्ट नहीं होगा, प्लस क्या होगा जल जाएगा, कटोरा भी ख़राब हो सकता है आपका, इसीलिए आप इसे हल्की आंच पर एकदम से धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट कर लीजिए। हमें इसे भी उस कीमे में ही ऐड करना है। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, आप देख सकते हो अभी भी इसमें थोड़े थोड़े मौजूद है, मस्का मौजूद है इसमें दिखाई दे रहा है। और आप इसकी जगह मैदा यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बटर नहीं यूज़ करना है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हो 3 टेबल स्पून के करीब में। ये फुल फैट मस्का है। अभी मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी।
जितने भी मसाले हैं सारे मसालों को चिकन के साथ में एक एकजुट कर लेना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से मल मल के मसल करके, जिस तरीके से हम लोग आटा गूंथते हैं रोटी का उसी तरीके से, ताकि जितना भी शिमला मिर्च है, कोतमीर है, सबका अर्क होता है, जो रस होता है वो एक एक हो जाए, एकजुट हो जाए सब चीज़ें कीमे के अंदर, और टेस्ट सबका बराबर मिले, एक बाइट में भी सबका टेस्ट अच्छी तरीके से मिले। इसीलिए अच्छी तरीके से इसे गूंद लीजिए, एक एक कीमा अपने उंगली के नीचे ला करके सारे मसालों को आप इस तरीके से मल लीजिए। और प्लीज़ व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे जो नए आए हैं, और जो मुझे पहले से देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और क्या आप देखना चाहते हो वो भी मुझे बताएं कि आप, मैं अलग आपके लिए क्या बना के लाऊं। इसमें प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ के लिए आप लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। इसे मैंने आधा घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था फुल बाइंडिंग होने के बाद में, और फ्रिज से निकालने के बाद में मैंने इस तरीके से इसके कबाब बना लिए हैं। आप देख सकते हो मैंने सीख का शेप दिया है इसे, लंबे लंबे सीख के शेप में मैंने इसे इस कबाब को बना के निकाला है, और हमारे कुछ 24 कबाब बने थे आधा किलो चिकन के अंदर। तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको, एकदम हीट वाला कप नहीं लेना है, हीट नहीं मारना चाहिए तेल में से, लो मीडियम फ्लेम पे ही इस कीमे को तलना है हमें। ज़्यादा गर्म तेल में डालने से क्या होगा कि कबाब एकदम से जल जाएंगे फास्ट, चिकन कीमा बहुत फास्ट होता है, फ्राई बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए आप लो मीडियम पे ही इसे बनाएं, और आहिस्ता आहिस्ता इसे पलट पलट करके चारों बाजू से सेक लीजिए। इसका कलर देख सकते हो आप कितना अच्छा सुनहरा सा कलर आया है, हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये हल्की हल्की धीमी धीमी आँच पर ही बना करके पका करके लेना है आपको, चारों तरफ से बस इतना ही हल्का लाल लाल बना के लेना है। ये देख सकते हो आप पकने के बाद में अपने आप इसका साइज़ बढ़ गया है, पहले थोड़ा कम था, साइज़ बढ़ गया है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि कीमा पूरा पक के तैयार हो गया है, हमारे कबाब बन के तैयार हो गए। अब मैंने इसे एक जाली में निकाल ले रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निथर जाएगा इसमें से, और एक प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। इसी तरीके से सारे कबाब मैंने तल के निकाल लिए। अब हम चलते हैं हमारे गार्निशिंग की तरफ। मैंने एक बाउल के अंदर सारे कबाब ले लिए मैंने, आप देख रहे हो जो नीचे निकला है वो बटर ही है, जो हमारा बचा हुआ बटर था वो भी मैंने अभी मेल्ट करने के लिए ले लिया है। इसे भी मेल्ट करके मेल्टिंग के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये बर्फ में था ना, जैसे मेल्ट हो गया मैंने उसे इसी कबाब में डाल दिया है। बटर का एक अच्छा स्वाद होता है, ये नमकीन होता है, इस पर से मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की है, और ये हमारा चाट मसाला, ये तैयार हो गए हमारे कबाब। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि सारे मसाले एकजुट हो जाए, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर दिखाई दे रहा है, चाट मसाले का भी नमकीनपन सब हर एक कबाब में आया, खा जब हमने खाया था इसे बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही लजीज, बहुत ही एकदम उम्दा इसका टेस्ट था। आप भी ज़रूर इसे बना के ट्राई करें, और मेरा यकीन माने बहुत जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है, और बहुत कम ही सामान में, बहुत कम सामान यूज़ होता है, बाहर का खाने से, अनहाइजीन खाने से अच्छा आप अपने हाथ से बनाकर हाइजीन चीज़ खाएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।